भाग के शादी करना चाहते हैं, ना भागना नहीं चाहते, जो भाग के शादी करना चाहते हैं. सो इसलिए इसका नाम है रनिंग शादी डॉट कॉम. सो कोशिश ये है कि मतलब एक अच्छा मज़ेदार फिल्म किया जाए. सो अमित रॉय ने डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, फर्स्ट टाइम है, मेरे दोस्त हैं वो. मेरे लिए उन्होंने बहुत कैमरा वर्क किया हुआ है, प्लस उन्होंने रामू के लिए भी किया हुआ है, सरकार और रोहन सिप्पी के लिए. सो तो वो आए थे और मुझे लगा कि अमित साध और तपसी पन्नू भी बहुत अच्छे कास्टिंग है, बहुत फ्रेश है. और जिस तरह आपने लुक देखा है रनिंग शादी डॉट कॉम का, इट एक मज़ा लग रहा है. सो हम लोग भी वही मज़ा ले रहे हैं अभी तो शूटिंग में. बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है बट बहुत ही कैरेक्टर बेस्ड कहानी है. और स्टोरी जो है अमृतसर पे बेस्ड है. सो मज़ा ये है कि अमृतसर का एक एम्बियंस देखने को मिलेगा आपकी, वहाँ के छोटे छोटे कैरेक्टर्स. विकी डोनर में यही था, छोटे छोटे कैरेक्टर्स, छोटे छोटे यू नो, सो उसी जोन के ही उसी तरह के ही कैरेक्टर्स हैं. सो आई थिंक हम लोग बहुत एक्साइटमेंट में हैं, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है हम लोग को, हम लोग शूट करने में. अभी जस्ट 50% हुआ है शूट अभी, और अर्ली नेक्स्ट ईयर या मिड नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगी. नहीं मुझे लगता, मुझे नहीं, बिल्कुल नए बच्चों के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नए एक्टर्स जो हैं मुझे लगता है रादर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. इसी ऑफिस में बैठ के ये लोग कम से कम दो दो महीना आके स्क्रिप्ट रीडिंग किया, तपसी ने और अमित साध ने विद अमित रॉय. कैरेक्टर के ऊपर काम करना कॉन्स्टेंटली और कुछ सोचना ही नहीं दो दो महीना, और शूटिंग में कुछ. सो ये एक नया डेडिकेशन है ना? और ऐसे नए एक्टर के साथ आई थिंक डायरेक्टर भी नया है तो उसको कंफर्टेबल होगा, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. हो सकता है स्टार हो तो पता नहीं उसको कितना वो खुल के कर पाएंगे. आई थिंक नए एक्टर्स होते हैं तो ज़्यादा खुल के कर पाते हैं. आई थिंक अमित शुरू से ही क्वाइट, मतलब मेरे को बोल रहा था कि मैंने तपसी से बात किया हुआ है एंड आप तपसी से मिलो एक बार. मेरे माइंड में भी आप जैसा ही डाउट था कि एज ए प्रोड्यूसर कि क्या होगा, मैंने कहा मिल. बट जैसे ही मैं तपसी पन्नू को मिला ना, मेरे सारे डाउट्स जो हैं वो गायब हो गए. बिकॉज एक तो वो सदारनी है और फिल्म में वो सदारनी का कैरेक्टर है, और वो अमृतसर से ही है, वो चंडीगढ़ से है और पंजाब से है, तो अपने आप वो बैठ गई उस कैरेक्टर. और ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो.